I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. वो मर जाएगा, मुझे जाने दो। वो नहीं मरेगा, मरना इतना आसान नहीं है, मगर अगर तुम चली गई तो हम सब मर जाएंगे। जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा हुक्म मानने का पाबंद नहीं हूँ। तुम मुझे क्यों आंखें दिखाते रहते हो? अब तुम्हारी मोहब्बत में इतना दम ही नहीं था, दुनिया के एक वार से ही दम तोड़ गई। चल पुत्र, अब अपने बाबा से बात कर ले। कितनी दफा तो फोन आ चुके हैं उनका, अपना फोन तो ऑन कर। बाबा मुझे हर चीज से आ कर चुके हैं, अब मेरा ऑफिस के किसी काम से कोई ताल्लुक नहीं है। पागल ना हो तो, उन्होंने कह दिया तो तू हो भी गया आग। बेवकूफ पुत्र, जो कुछ भी है सब तेरा ही है, और तेरे मेरी बात सुन, एक लड़की के पीछे सारा कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। लेकिन अम्मी, मैं तो खत्म हो रहा हूं ना। कर दी ना जलों वाली बात तूने, फिर तू देख तो सही मैं कैसे धूमधाम से तेरा ब्याह करती हूँ। फिर मेरे सोने रब ने चाहा ना तो अल्लाह तुझे औलाद भी दे देगा। मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे मुझे जिया चाहिए ना। तो फिर दादो को उधर भेजने की क्या जरूरत थी? खराब मामला और बिगाड़ के आ गई। अपने मामला ना मैं खुद देख लूंगा। चल फिर ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। हमारा क्या है, हमने तो तेरा ही साथ देना है। तू चाहे जिया को उठा के भी ले आए ना, तो मैं तो उसे अपनी बहू मानने को तैयार हूँ। खुदा के लिए अम्मी, मैं किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलूंगा। जिया मेरा नसीब है, अब बाबा का गुस्सा और अकबर साहब की जिद उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। फिर मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे तेरा इश्क जीत जाए। रिजवान हमारा क्या है, हमें ना तो सना से कुछ लेना देना है ना जिया से। हमें तो बस अपना पोता चाहिए, हमारा वारिस चाहिए। अच्छा चल चल पुत्र, जिद छोड़ते अपने पापा से बात कर ले। देख पुत्र, नाफरमानी अच्छी चीज नहीं होती, उनसे बात करनी है। बड़ा अच्छा पुत्र। सफिया, जिस काम पर लगती हो घंटों लगा देती। आजकल अकबर घर पर है, वक्त पर खाना तैयार होना चाहिए। पापा खाना तो मैंने कब का तैयार कर दिया, हाँ वैसे ही परेशान हो रही हूँ। तुम्हें मालूम अकबर ने किरण को पूरे 1,25,000 का चेक दिया? जी आपा, ये तो अकबर भाई की मेहरबानी है। वैसे सफिया, अगर तुम मुझे वक्त पर बता देती ना जिया किन राहों पर चल निकली, तो आज वो भी मेडिकल के दाखिले की तैयारी कर रही। आपा तो आप अकबर भाई से बात करें ना, उन्हें मजबूर करें कि जिया को दाखिला ले दें। पर नहीं मानेगी, उनको अब जिया पर भरोसा ही कहाँ रहा। मैं बात करूँ? हाँ
तुम बात करो, तुम्हारी बात तो मानेंगे, तुम्हारी बातों में तो जादू है, ऐसे नहीं लाखों लुटा रहे किरण पर। मेरी बात सुनो, मेरे मसाइल मुझ पर ही छोड़ो, मैं खुद ही हल कर लूंगी। तुम और किरण ऐश करो अकबर के पैसों पर। आई बड़ी मसले हल करने वाली। पापा कुछ भी कहती रहे, जितना भी जलील करती रहे, मुझे अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। बेटे नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, आप बाहर आकर बात करें प्लीज। अरे बाहर खड़े होके क्या बात होगी, आप गाड़ी में बैठ जाएं। अब मुख्तसर सी बात है, प्लीज आप बाहर आ जाएं। जी प्लीज आप जिया को भूल जाएं। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं जिया को भूल सकता हूँ तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये ही रांझा का दौर नहीं, अगर ताया अबू ने सारी जिंदगी को ये सांसा बनाया है वो शराफत और ईमानदारी है। देखिए यकीन जाने आपके ताया की शराफत और ईमानदारी को मुझसे कोई खतरा नहीं, आप गवाह है इस चीज की कि जो कुछ हुआ वो गलत फहमी में हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज के लिए। देखें जिया आपको अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, आप कुछ करें। मैं मजबूर हूँ। देखें कोई भी मजबूरी किसी बेबस की मदद करने के लिए रास्ते की दीवार नहीं बनती, आप प्लीज कुछ करें और मुझे जिया से मिलवा दें। नहीं कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने तायाबू के एतमाद को धोखा नहीं दूंगी। देखें मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूं। मेरे सामने हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, इतनी मोहब्बत करते हो तुम जिया से। आपको मोहब्बत के मायने भी पता? और मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम्हें क्या समझो, आपके सीने में जो दिल है वो पत्थर का? समझ ले कि मैंने खुद अपने दिल को पत्थर बना लिया। तो फिर आप क्या समझे मोहब्बत की तरफ, आपके सीने में तो पत्थर है। पत्थर पर भी जर्ब पड़ती है तो वो रेजा रेजा हो जाता है। मैं यहाँ जिया की बात करने आई थी, मेरे दिल का हाल बताने नहीं। ताबू जिया की शादी कर देना चाहते हैं। अकबर अंकल से कहें कि अगर वो ये सोचते हैं कि वो जिया को मुझसे जुदा कर सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है, मैं जिया की शादी कहीं और होने नहीं दूंगा। अगर आपको तायाबू का फैसला बदलना है तो अपनी दीवानगी को लगाम दें, जिया के एडमिशन तक शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, तायाबू को भी कुछ सोचने समझने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं जिया से मिले बगैर रह भी तो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे जिया से मिलवाएंगे। वादा नहीं कर सकती लेकिन कोशिश करूंगी। अब मैं चलती हूँ। सुने अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं आप पर शक नहीं करती, लेकिन मुझे आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। और प्लीज अब घर पर किसी को मत भेजिएगा, जिया का फोन भी ताइयम्मी के पास है, फोन भी मत कीजिएगा।
चाय रख दो। जानती हो तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। बाबू प्लीज मुझे पढ़ना है, मेरी शादी मत करवाए। पढ़ लिख जाओगी, डॉक्टर बन जाओगी, अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाओगी, फिर क्या करोगी? कसम खाओ मेरी कि मेरे मरने के बाद भी रिजवान शाह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाओगी। अब्बू बोलो। मैं दिल की जमानत तो नहीं दे सकती, लेकिन जबान की जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरी जबान पे कभी भी उसका नाम नहीं आएगा। चलो तुम्हारी जुबान पे एक बार फिर भरोसा करके देखता हूं। अपने एडमिशन की तैयारी करो। थैंक यू सो मच। आप मुझसे खफा क्यों हैं? अब देखिए ना रिजवान शाह को छोटा सा दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना। मैं से पूछती फिरूं कि भाई तू कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है? अरे मैंने खुद देखा है तुम्हारे बेटे को, सड़क के किनारे खड़ा जिया की कजन के सामने हाथ पांव जोड़ रहा था, और पूरा शहर जानता पहचानता है रिजवान शाह को। बस जमान शाह का पुत्र है, को मजाक है? किसी मीडिया वाले की नजर पड़ जाती और उसने वीडियो बना लेता और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर देनी थी उसने। कितनी मीसनी लगती है ना ये किरण की बच्ची, गन्ना हो तो देखो अमर सानिया करती फिरती। अब लगाओ ना मैं फोन उस बानो शरीफ जादी को, डाल के रखे नकेले अपनी लड़कियों को। अब कोई जरूरत नहीं है, नकेल तो अब मैं डालूंगा, वो भी तुम्हारे बेटे को। अच्छा जी, कैसे? वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। चलें, हम भी इंतजार कर लेते हैं जमान शाह साहब। किरण तुम आ गई, कब से मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम मिली उससे, क्या बात की? हाँ मिली थी, उससे बात भी की। जिया वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा प्यार जिसे लफ्जों का रूप देना भी मुश्किल है। ये तो मैं जानती हूँ। तुमने उसे क्या कहा? कह दिया कि अपनी दीवानगी को लगाम डाले, वरना तुम्हारी शादी हो जाएगी, वरना तुम दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाओगे। समझा दिया उसे। फिर उसने क्या कहा? मुझसे वादा लिया है कि अब एक बार तुमसे मिलना पड़ेगा। सिर्फ एक बार? अब फैसला तुम खुद कर लेना। बेशर्म, बेहया, ये तो मासूम थी, भोली थी। तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। इसको समझाने के बजाय तुम खबर रसानी का काम कर रही थी, अपने ताया अबू की इज्जत को उछाल रही हो। नमक हराम। अम्मी अदाब उसे क्यों मार रही है? मैंने उसे रिजवान शाह के पास भेजा था कि उसे जाके समझाए कि वो बार बार पैगाम ना पहुंचाए, और अबू ने मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी है। मुझे क्यों मारा है? मेरे ही कहने पर आपकी भोली भाली लड़की शादी का ख्याल दिल से निकाल कर पढ़ाई करने को तैयार है। इस मासूम को तो जो कोई कुछ कहता है ये तैयार हो जाती है। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। बड़ी भोली है, अपने अंदर तूफान छुपाए बैठी है। बदतमीज, ज़बान दराज हो गई है तुम। मेरे हर जुर्म की सजा उसको क्यों मिलती है? बस तुम भी अब दिल लगा कर पढ़ो, ये प्यार मोहब्बत ये सब धोखा है।
बस मैंने फैसला कर लिया कि अपने पार्टनर अमजद हाशमी की बेटी सारा से तुम्हारी आज ही शादी करवाऊंगा। मेरी शादी तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं हो सकती ना। तौबा करो, मेरी परमिशन के बगैर तो काजी इस घर में कदम भी नहीं रख सकता। अरे भी सब किया धरा किरण का ही है, वो तो पहले ही चाहती है मैदान साफ हो जाए ताकि अकबर की सारी तवज्जा किरण को मिले। छोड़ो मेरा हाथ। जिया जिया रुको। साया, साया, साया।